दोस्तों, आज भाई दूज है। सारे गांव में खुशी का माहौल छाया हुआ है। सुबह सुबह अब देखिए डॉली के घर में क्या होता है। आज तो बहुत ही काम पड़ा हुआ है, जल्दी से सारा काम निपटा लेती हूँ। ढोलक बेटा, यहाँ आइए आप। हाँ माँ, बोलिए, बताइए आपको क्या काम है। बेटा, आज भाई दूज है, आप जल्दी से नहा लो। परी तो दिखाई नहीं दे रही, कहाँ पे है? ढोलक, अगर आपको परी मिले तो बोल देना कि नहा लो, ठीक है? जब तक ये मैं दोचे बना लेती हूँ, गौरी और गणेश जी को बना लेती हूँ। ये हमारी शुरू से परंपरा रही है। और इस प्रकार डॉली गोबर के गौरी गणेश जी बना लेती है। अब मैं हाथ धो लेती हूँ और पुरिया बनाने के लिए ताजा पानी भी ले लेती हूँ। इधर दूसरी तरफ बारबी सुबह सुबह कपड़े धो रही है। ये कपड़ा तो बहुत गंदा हो गया है। ये होली के कपड़े तो इतना गंदा हो गया है, इसमें बहुत मेहनत लग रही है। अभी तो हमको वहाँ पे पूजा करने को जाना है, हम लेट हो रहा है। अब देखिए कल्लू की बाई इधर क्या कर रही है। अभी तक तो जी चावल पके ही नहीं है, डोली के तभी तो जाने हैं भाई दूज बनावे। गांव की सभी महिलाएं साथ में मिलके उतई पे पूजा करती हैं। चलो हम जल्दी से काम कर लें, फिर पूजा करवे भी जाने हैं। और इधर सुशीला भी भाई दूज की तैयारियों में लगी हुई है। चलो, मैंने नहा तो लिया है, अब मैं बाल बना लेती हूँ। मेरे बाल भी बहुत ही ज्यादा उलझ जाते हैं। सभी लोग कहते हैं, सुशीला तुम्हारे बाल तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। जल्दी से मैं बालों को बना लेती हूँ, फिर पूजा करने को भी तो जाना है। विद्या, ओ विद्या बेटा, कहाँ पर हो बेटी? जल्दी से आप नहा लो। हाँ मम्मी, मैं तो नहा रही हूँ, अभी आ रही हूँ मम्मी। ठीक मम्मी, मम्मी मेरे तपले देखो कैसे लग रहे हैं। हाँ बेटी, आपके कपड़े तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। परी बेटा, मेरा एक काम कर दो। हाँ मम्मी, बोलिए ना। अपने बगीचे से फूल ले आओ। ठीक है मम्मी, ठीक है मम्मी, मैं ले आ रही हूँ बगीचे से फूल। लेकिन जल्दी आना बेटी, जब तक मैं पूजा की तैयारियां कर लेती हूँ। वो लोग किसी समय आती ही होंगी। जब तक मैं ये हल्दी चंदन रख देती हूँ और पूरियां जो बनाई हैं उन्हें भी लेकर आती हूँ। मुझे भी अपने भैया की याद आ रही है। ये जो पूरियां बनाई हैं इन्हें भी रख देती हूँ पूजा की सामग्री के साथ में। परी के पापा तो अभी तक मंडी से आए नहीं हैं, बोल रहे थे पूजा के टाइम तक आ जाएंगे। मम्मी मम्मी, ये ले आई मैं पूजा के फूल। ठीक है बेटी, रख दो। ठीक है मम्मी, कितना प्यारा फूल लग रहा है, ऐसा लग रहा इसी के साथ खेलती लगूं मैं। मम्मी आप क्या कर रही हो? अरे बेटा, मैं पूजा के लिए चूड़ियाँ लाने गई थी अंदर। अब मैं चूड़ियाँ भी रख देती हूँ और देख लेती हूँ पूजा के लिए क्या क्या सामान की कमी रह गई है। पूजा का तो लगभग सारा ही सामान हो चुका है। अरे आप लोग आइए आइए, मैं आप ही लोगों का ही इंतजार कर रही थी तब से। चलो सब साथ ही मिलकर पूजा कर लेते हैं। बारबी की सासू माँ रोली और चंदन से गणेश जी का पूजन करती हैं। गणेश जी को चंदन तो लगा दिया है मैंने। चलो मैंने भी तो कर ली पूजा, तुम लोग भी आ जाओ। बारबी, डॉली, सुशीला। हाँ, मैंने भी ये माता को
रोली लगा दी है। अब मैं इनके पेशाब के लिए पेड़े लेकर आती हूँ, इसे नीचे रख देती हूँ। जी माता की, भोग की पूरी लेके आए हैं, इनको भी भोग लगाने हैं बार्बी। मैं माता को ये फूल चढ़ा देता हूँ। जय हो माता, मेरे सब कष्ट दूर कर देना। मैं माता के लिए बिंदी और महावर चढ़ा देती हूँ। परी की मम्मी, आप चूड़ियाँ चढ़ा दो जब तक। हाँ ठीक है दीदी। अब सभी लोग साथ मिल करके आरती कर लेते हैं। आइए दीदी जल्दी से आइए सब लोग। मैं भी माता जी को पेड़ा चला देती हूँ। इस प्रकार पूजा हो जाती है और सभी महिलाएं अपने अपने घर चले जाती हैं। परी बेटा, अब आप देर मत करो, अपने भाई के लिए धागा बांध दो। हाँ मम्मी ठीक है। अले छुटकू, पैसे तो लगे हो ना, धागा बंधवाने के पैसे लगते हैं। अरे बेटी। मम्मी मम्मी, दीदी हमसे पैसे मंगा रही हैं। बेटा पैसे मैं दे दूंगी, पहले तुम अपने भाई को धागा तो बांध दो पहले। मेरे भैया तो इस बार आ ही नहीं पाए, उन्हें इस बार कुछ काम आ गया था। मम्मी मैंने लोरी तो लगा दी है और धागा भी बांध दिया है। ठीक है बेटी, अब भैया को मिठाई खिला दो। ठीक है मम्मी। अरे वाह मम्मी, क्या मैं खा सकती हूँ? नहीं बेटा, पहले भाई को खिलाते हैं। हाँ पहले हम भैया तो खिला देते हैं और आरती कर देते हैं। मम्मी देखा ना आपने, दीदी ने पैसों को देखा तो मेरी आरती करने लगी। चुप छुटकू, फालतू बात निकलता रहता है। मैं इन पैसों से मार्केट से कुछ अच्छा सामान लूंगी तैयार होने का। इधर विद्या भी अपने भाई के लिए धागा बांधती है। अली मम्मी मम्मी, चिंटू भैया कहाँ गए? वो तो दिखाई नहीं दे रहे। मैं तो उन्हें अले, हाँ बेटा ये आ गए जो आपके चिंटू भैया। अली भैया, मैं आप तो तहाँ ढूंढते आ गई छत पे भी। हाँ छुटकी, मैं जरा बाहर दोस्तों से बातें कर रहा था। भैया आप मुझे भाई दूज पे आज क्या दीप्त देंगे? अरे बेटा पहले अपने भाई को धागा तो बांधो। हाँ मम्मी लाइए धागा बांध के और अपने भाई को मिठाई खिला। ठीक है मम्मी। विद्या पहले चिंटू को तिलक लगाओ। भैया तला माथा करना यहाँ को। ये लता दिया मैंने तिलत। भैया लेतेन आप मिठाई थोली ची था ना, आप तो पता है हर बार आप तो मैं थोली ची मिठाई खाती हूँ और मिठा लेती हूँ। हाँ विद्या मुझे पता है तुम कितनी बड़ी चटोरी हो। चिंटू ये अपनी बहन के लिए पैसे दे दो। दोस्तों इस प्रकार गांव में सभी लोगों का भाई दूज का त्योहार मनाया गया। आप बताइए आप लोगों ने कैसे मनाया?